नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम के बाद से ही कांग्रेस पार्टी के अंदर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी के अंदर इतनी फूट पड़ चुकी है जो अब साफ तौर पर देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में शुक्रवार को एक खबर तेजी से चल उठी। इसके मुताबिक कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अल्टीमेटम दे दिया है। दावा किया जा रहा है कि अपने अल्टीमेटम में उन्होंने सोनिया गांधी से ये कहा कि अगर उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे और पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज दिल्ली में पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी से मुलाकात की। कमलनाथ और सोनिया गांधी के बीच चली आधे घंटे की मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि अब जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जा सकता है। कमलनाथ ने बताया कि सोनिया गांधी से संगठन को लेकर चर्चा हुई है जो पूरी तरह से सफल रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि मुझे सिंधिया की नाराजगी की कोई जानकारी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी से नाखुश होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने सोनिया गांधी के सामने नए प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात भी रखी है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन अभी तक प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम तय नहीं हो पाया, जिसके चलते फैसला लगातार टल रहा है। वो सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष पद भी देख रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। खैर, इसका जवाब आने वाले समय में जरूर मिल जाएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अहम खबरों को लेकर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।